तो खलील साहब, कहाँ मिलता है आपकी ख्वाहिश का मर्द हमारे माशरे में, या उसकी आप तरबियत कर रहे हैं तो कितना एक कितना कितने डेकेड्स, कितनी नस्लें लगेगी उसको नहीं, उसको आप सामने आने यहाँ में? मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता हूँ। आपकी ख्वाहिश का मर्द हकीकत में मैं नहीं आपको, मिलता? मुझे बहुत सारी औरतें इस पर मेरे ऊपर पिल पड़ेंगी, लेकिन मैं अपनी बगैर कोई बहुत सारे वाकयात में जाए, चूँकि मैं आऊँगा ऑन एयर आऊँगा इस प्रोग्राम की वसादत से, तो मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। बट मैं सिर्फ इतना मशवरा देता हूँ, आप आजमा कर देख लीजिए, आप मर्द को इनसिक्योर्ड मत रखिए, आपकी प्रॉब्लम ज़िंदगी के कम हो जाएंगे। आप उसको बताइए आई एम मेड फॉर यू, तो आपकी ख्वाहिश का मर्द आपको मेरे मिल सुनिए, जाएगा? अच्छा, आप उसको बता के रखिए कि आई एम मेड फॉर यू, आई एम बॉर्न फॉर यू, मेरे पास ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। यू वर माई ड्रीम, यू वर द मैन आई वॉन्टेड, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आप मर्द को बहुत सारी बुराइयों से बचा लेंगी। मर्द को जब आप इनसिक्योर करती हैं तो वो अंदर से कहीं कहीं अपने अंदर छुप कर बैठ जाता है, और वो छुपा हुआ मर्द जो उसके अंदर छुपा हुआ है वो फिर वार करता है आपके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि मर्द, मैं आई एम नॉट प्लीडिंग फॉर द मैन, आई टेल यू, आप ये गोरा ये टोटका आजमा कर देख लीजिए, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। जो ही आप उसको बताती हैं ना, मैं आई हैव सीन मैं इन मैनी गर्ल्स, शादी की रात या 4 दिन बाद या गुस्से में कह देती हैं कि मुझे तो फलां का रिश्ता भी आया हुआ था, मुझे तो फलां का रिश्ता भी आया था। वो इस पर कहता कुछ नहीं है, वो चुप साध लेता है। वो चुप बुरी है, याद रखना। डोंट टेल हिम लाइक दिस, यू नो, इवन यू हैड द ऑप्शंस, इट इज़ नॉट लाइंग टू हिम, बट वंस यू आर मैरिड टू समबडी, ओके, चुन लिया मैंने तुझे, सारा जहां रहने दिया, दैट इज हाउ वी स्टार्ट विद द रिलेशनशिप। ऑप्शन प्रेफरेंस, या प्रेफरेंस ऑप्शंस ओ या प्रेफरेंस, ओ या मोहब्बत में ऑप्शन और ऑप्शन में मोहब्बत नहीं जिसके होती। पास दूसरा ऑप्शन होता है वो आपका नहीं होता।